सदर ट्रेड यूनियन होलसेल जनरल मर्चेंट फूड एंड एसोसिएशन हैदराबाद। अच्छा, ये 28 तारीख की मरकजी तंजीम पाकिस्तान की तरफ से हड़ताल की कॉल दी गई ज़ालमाना टैक्स और बिजली की बिलों के खिलाफ। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। हम पूरी यूनियन इस टैक्स को, ताजी दोस्त स्कीम जो है, नाम नहाद स्कीम है, उसको हम नामंजूर करते हैं। ये एक ताजरों का माशी कत्ल है और इस तरह के इकदाम से ताजरों की हौसला अफजाई नहीं, हौसला शिकनी होगी। ताजर पहले ही परेशान हैं, या वो दुकानों के किराए दे, या वो बिजली के बिल अदा करे, टैक्स दे, या अपना घर चलाए, वो क्या करे आखिरकार। गवर्नमेंट की ये पॉलिसियाँ ताजरों का माशी कत्ल है और हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान के जितना ताजर है, आज हमारी यूनियन भी उनके साथ खड़ी हुई है, शाना बशाना खड़ी हुई है, और इंशाअल्लाह आगे जो भी उनका लाइमल होगा, हम उनके साथ फिर भी खड़े हुए हैं। और हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो ताजरों का माशी कत्ल ना करें और ताजरों को इस बदहाली पर ना छोड़े कि वो ताजर किसी और उस दोहराए पर आकर अपनी दुकानें बंद करने में मजबूर हो जाएँ। तो ये खुदारा गवर्नमेंट इस चीज़ के ऊपर अहकाम में बाला है, वो चीज़ को सोचे और ज़रा गौर करें इसके ऊपर कि ताजरों के साथ इस तरह से नाइंसाफ़ी ना की जाए। आज हम सब जमा हुए हैं और एक प्लेटफार्म पर हैं इस वजह से कि गवर्नमेंट की टैक्सेस की पॉलिसियां जो हैं, इससे काफ़ी दुकानदार हजरात हैं वो बेजार हुए हैं। और जो काशिफ चौधरी साहब ने हड़ताल की कॉल दी थी 28 अगस्त को आल पाकिस्तान बंद करने की, तो हम उनके साथ खड़े हुए हैं और उनके शाना बशाना है। और जैसा कि आप देख सकते हैं, शाह बाज़ार और ये टावर हैदराबाद, ये सारा बंद है। ये ताजर हजरात, इन्होंने भी हमारा साथ दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आज हमारे साथ खड़े हैं, एक प्लेटफार्म पर हैं। और गवर्नमेंट से हमारी ये गुजारिश है कि आप ये जो ताजरों के साथ मसले मसाइल हैं, इन पे जो है वो आप देखें इनको और हमारे मसले मसाइल हल करके दें जो टैक्सेस के हैं। महंगाई इतनी हो चुकी है कि दुकानदार जो है ना इतना पिस रहा है, कितने टैक्स लग रहे हैं, होल्डिंग टैक्स, जनरल टैक्स, बिजली पे टैक्स, दुकानों का टैक्स, अनजाना फूड वालों का टैक्स, थल्ले का टैक्स, कहाँ कहाँ क्या क्या टैक्स हम दें, हम दुकानें चलाएं या टैक्स दें या बच्चों की रोजी रोजी करें, क्या करें, इतना टैक्स लग रहा है। खुदारा कुछ खौफ करें हमारे पे, हमारे बच्चों पे, हमारी आने वाली नस्लों पे। हम इतने परेशान हो गए, इस परेशानी के आलम में आज 28 अगस्त को हम बाहर निकले हैं अपना कारोबार छोड़ के, या मेरे साथ पीछे मजदूर हैं बेचारे, रोज़ करने खाने कमाने वाले, परेशान हैं बहुत। हम भी मजबूरी की हालत के अंदर बाहर निकले हैं। खुदारा कुछ हम पे रहम करें। हमारी हुकूमत पाकिस्तान से गुजारिश कि इस टैक्स को, जो ताजिर दोस्त टैक्स किया जा रहा है, इसके नाम पे इसको ख़त्म किया जाए और हमारे को इससे बड़ी जुम्मा किया जाए और हमारे को कुछ रिलीफ दिया जाए, ये हमारी गुजारिश है। आप अपना टैक्स के नाम पे जो हमसे लिया जा रहा है, इसके अंदर हमें रिलीफ दिया जाए। और मतलब हमारा घर चलाना भी बहुत मुश्किल हो गया, इसके अंदर बड़े मामलाते हैं, परेशानी आ रही है हमें बहुत ज़्यादा ना, इसके बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए, तो थोड़ा सा मेहरबानी करके हम पर मतलब रहम करें इस बात के ऊपर ना भाई। एक के पीछे एक टैक्स लगाए जा रहे हैं। हम अपनी दुकानें बंद करके देखें, आप यहाँ खड़े हुए हैं सिर्फ स्ट्राइक की वजह से, कि इसी वजह से कि गवर्नमेंट जो है हमारा को ख्याल करे कि हम अपने बच्चों का गला काटें। इस चीज़ को देख के हम अपने घरों से निकले हैं। ये काम अगर 20 साल पहले हो जाता ना, तो आज ये नौबत नहीं आती। तो हम बड़े परेशान हैं। तो गवर्नमेंट पाकिस्तान से हमारी अपील है कि बराए मेहरबानी हमारे को जो है रिलीफ दिया जाए, या हमारे लिए पर जो तुम लोगों ने टैक्स लगाए हैं इसको ख़त्म किया जाए। माशाल्लाह हैदराबाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 28 अगस्त को पूरा हमारा हैदराबाद टावर मार्केट और शाही बाज़ार और सलावड़ा पाड़ा तमाम मुकम्मल तौर पर बंद है। गवर्नमेंट से यही गुजारिश है कि जो ये होल्डिंग टैक्स लगाया गया है और मज़ीद जो टैक्स लग रहे हैं, इसको ख़त्म किए जाएँ। दुकानदार हजरात अपनी दुकान का किराया दिया जाए, दे ये अपने बच्चों के पेट पाले, या दीगर मामला, ये जैसे बिजली के बिल हैं, ये बढ़ते हुए जा रहे हैं। जो पहले 5-5 हज़ार के आते थे, अब 10-15 हज़ार रुपये के आ रहे हैं। मेहरबानी करके गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील यही है कि इनको ख़त्म, टैक्सों को ख़त्म किया जाए और बिजली के बिलों पर जो टैक्स लग रहे हैं उनको ख़त्म किया जाए। आज हम जो है सारे ताजिर भाई, ताजिर दोस्त, इस मौके पर यहाँ पर हम एक साथ हैं, यकजहती का हमने मुजाहरा किया है, ठीक है।
और हमारे ऊपर ये जो जालिमाना टैक्सेस लगाए गए हैं यानी एडवांस टैक्स की मद में 2.5% जो लगाया ये सरासर गलत है। अब हम अपनी शॉप्स का किराया दें या बिजली का बिल भरें, घर के बिल भी जो पहले 10,000 का हमारा बिल आता था वो 40,000 का आता है, ठीक है, और जो दुकान का बिल हमारा 3,000 का आता था वो 10,000 का आता है, ठीक है, और दूसरा हमारे एक्सपेंस काफ़ी बढ़ चुके हैं। तो हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि वो इन टैक्सों को ख़त्म करे और हमारे साथ तावुन किया जाए और हमारे जो राइट्स हैं वो हमें दिए जाएं। जो जितना भी टैक्स लगा गया है इसकी वजह से तमाम मार्केटें बंद हैं और हमारी यही गुजारिश है कि इस तमाम टैक्स को ख़त्म किया जाए और ताजिरों का साथ दिया जाए। आज 28 अगस्त की जो पूरे पाकिस्तान में शटडाउन और हड़ताल कामयाब हुई, बिलखसूस हैदराबाद में जिस तरह ताजिरों तमाम ताजिरों ने अपने कामयाब कराने में किरदार भरपूर किरदार किया, अलहमदिल्ला आज हैदराबाद की तमाम ताजिर मार्केटें जितनी भी तजारती मार्केटें बंद हैं इसका क्रेडिट जो है वो हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट नदीर सिद्दीकी को जाता है, क्योंकि अलहमदिल्ला हैदराबाद एक बार फिर हैदराबाद के तमाम ताजिर तंजीमों ने अदील सद्दीकी हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की आवाज़ पर लबैक कहते हुए आज की हड़ताल को कामयाब बना के साबित किया है कि हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अदील सद्दीकी हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के तहत हैदराबाद के ताजिरों का वाहिद मरकज हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है और अदील सद्दीकी उनका हकीकी लीडर। तमाम ताजिर तंजीमों के नुमाइंदों को मुबारकबाद पेश करता हूँ, बिल्कुल अदील सद्दीकी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ हैदराबाद की मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल की कामयाबी।